गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? होमवर्क करते हो? नहीं दिखता है मुझे, तो भेजते नहीं हो? भेजते हो क्या? बहुत कम लोगों ने भेजा है बेटा, सभी होमवर्क करो। देखो फर्स्ट टर्म का कोर्स पूरा होने वाला है, मैंने काफ़ी करा लिया है। सब लिखना शुरू कर दो और कापियों के फोटो भेज के भेज दो मुझे व्हाट्सएप पे। ओके, नंबर तो है ना ग्रुप में मेरा। आज हम करेंगे ग्रामर का नया टॉपिक पद परिचय। ठीक है, पद परिचय जो है इसमें एक सेंटेंस होता है, कोई भी जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस को हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, जैसे अच्छा लड़का क्लास में शांतिपूर्वक बैठता है। अच्छा लड़का क्लास में शांतिपूर्वक बैठता है। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य को हम जब विभाजन करते हैं तो अलग अलग चीजें सामने आती हैं। सबसे पहले इसमें जो यदि किसी व्यक्ति का नाम हो या कर्ता वो क्या कहलाता है? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को, चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये, वो आदि। उसके बाद आता है विशेषण। तो किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का उपयोग होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद आता है क्रिया, उठना, बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना आदि क्या होती है? क्रियाएं। मैंने आपको इससे पहले क्रिया करवाया है, सकर्मा, अकर्मा, पूर्वकालिक क्रियाएं, विकारी शब्द सब करना है। उसके बाद आता है अव्यय। तो कोई भी वाक्य अव्यय के बिना अधूरा होता है, उसमें कोई ना कोई दो शब्दों को जोड़ने के लिए अव्यय जरूर आता है। और इन सबके मेल से एक पूरा सेंटेंस, एक पूरा वाक्य बनता है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं अव्यय के भेद। अव्यय के भेद हैं चार: क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय तो क्रिया की विशेषता बताने वाले, जैसे अच्छा लड़का, तो लड़का कैसे? अच्छा, तो वो क्रिया की क्या है? विशेषता है। लड़का कैसा है? अच्छा है। लड़की धीरे धीरे चलती है, कैसे चलती है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया की विशेषता। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता, आहिस्ता मतलब धीरे बोलो, तो आहिस्ता क्या है? क्रिया की विशेषता है। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं? दो वाक्यों या दो शब्दों को जोड़ते हैं। राम और लक्ष्मण वन में गए, तो और शब्द क्या हुआ? समुच्चय बोधक। काम करो अथवा घर जाओ, तो अथवा क्या हुआ? दो वाक्यों को विभाजित कर रहे हैं, या तो काम करो या घर जाओ, तो अथवा समुच्चय बोधक अव्यय। उसके बाद है संबंध सूचक। तो संबंध सूचक क्या होता है? संबंध दर्शाता है। पिता के भाई को चाचा कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, तो का के की ये क्या है? संबंध। पति और पत्नी ये क्या है? संबंध सूचक। उसके बाद आता है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिससे हर्ष, शोक, धिक्कार, नफरत आदि की भावना निकलती है। अरे कहाँ गए तुम? हाय मैं मर गया। इस प्रकार के जो उद्गार वाचक शब्द होते हैं वे सब विस्मयादि बोधक। आह सूरज निकला, वाह क्या मस्त बारिश है, तो ये जो शब्द होते हैं ये सभी विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं। ये दिल के भाव, हृदय के भाव को बाहर निकालते हैं। इसके बाद है ये जो शब्द होते हैं, समझो अच्छा लड़का, एक ही लड़का है तो वो हुआ एक वचन। लिंग क्या हुआ? लड़का है तो पुलिंग, लड़की है तो स्त्रीलिंग। ठीक है, और इसका क्रिया से संबंध होगा तो दिखाएंगे। जैसे अच्छा लड़का को क्लास में शांतिपूर्वक बैठता है, तो कैसा लड़का? अच्छा लड़का, तो क्रिया की विशेषता। कैसे बैठता है?
शांतिपूर्वक बैठता है, ठीक है। उसके बाद आता है सर्वनाम, जो मैंने आपको उसकी परिभाषा बताई, जो संज्ञा के बदले काम आते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण, जो विशेषता दर्शाते हैं, अच्छा, सुंदर, है ना, और धीमा और सुस्त, इस प्रकार के। जरूरी नहीं है सारे गुण अच्छे होते, कुछ बुरे भी होते हैं, है ना। चालाक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो विशेषण। क्रिया को मैंने बताया, होना, करना, उठना, बैठना, सोना, पीना, जाना, ये सब जो शब्द होते हैं वो वाक्य को बढ़ाते हैं, वाक्य के अव्ययों में एक अलग उसमें पैदा करते हैं, जिससे हम वाक्य का अर्थ समझने में हमें सरलता होती है। आया समझ में? इस प्रकार से जो होते हैं, हम इसमें अच्छा लड़का क्या हुआ, संज्ञा, ठीक है, मैं क्या हुआ, अव्यय, शांतिपूर्वक क्या हुआ, क्रिया की विशेषता, बैठता है क्या हुआ, क्रिया। आया समझ में? इस प्रकार हमको परीक्षा में इनके नीचे जो अंडरलाइन लगी हुई होगी वो हमें पहचानना है। तो ये होगा संज्ञा, अच्छा क्या है, विशेषण, और शांतिपूर्वक क्रिया की विशेषता है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और बैठता है क्या है, क्रिया, ठीक है, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये क्रिया है, मैं क्या है, अव्यय, ठीक है। जो संबंध दर्शाता है, संबंध सूचक अव्यय होता है, वो अव्यय होता है। आया समझ में? इस प्रकार आपका ये आज टॉपिक पूरा हुआ। बच्चों प्लीज़ आप लोग लिख के जरूर मुझे भेजिए। ओके, थैंक यू।